आखिर क्यों गिरी बिल्डिंग, जिम्मेदार कौन? लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में 3 मंजिला इमारत के ढहने का मामला। विशेषज्ञ इमारत के ढहने पर हैरान, ना आया भूकंप, खुदाई भी नहीं हुई, इमारत जर्जर भी नहीं थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। कहीं घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग तो नहीं वजह? भूकंप आया, न ही आसपास कोई खुदाई की गई और न ही इमारत जर्जर थी, फिर भी ताश के पत्तों की तरह ढह गई इमारत। आपको बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ में ट्रांसपोर्ट नगर में जिस 3 मंजिला इमारत के ढहने से हादसा हुआ, वह महज 1 दशक पहले बनी थी। आम जन ही नहीं, विशेषज्ञ भी इमारत के इस तरह ढहने पर हैरान है। एक्सपर्ट का मानना है कि घटिया निर्माण और गलत इंजीनियरिंग से ऐसा हो सकता है, लिहाजा यूपी की राजधानी में बिल्डिंग ढहने के पीछे क्या वजह रही, फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है। हालांकि एलडीए की तरफ से बताया गया है कि भवन में बेसमेंट नहीं है, न ही बेसमेंट को लेकर किसी प्रकार की खुदाई या अन्य कार्य हो रहा था। बिल्डिंग के नक्शे की भी जांच की गई। नक्शा 31 अगस्त 2010 को कुमकुम सिंघल द्वारा पास करवाया गया था। बिल्डिंग में नक्शे के अनुसार ही काम हुआ था। वहीं सूत्रों का कहना है कि बिल्डिंग व अनलोडिंग के दौरान ट्रक पिलर से टकराया, जिससे वह ढह गई। पूरी इमारत किराए पर दी गई थी। 2 फ्लोर जस्मी सहनी नाम के शख्स ने ली थी और एक अन्य व्यापारी ने अपना गिफ्ट उत्पादों का गोदाम बनाया था। किसी को जरा भी अंदाजा न था कि कभी ऐसा हादसा होगा और पूरी इमारत पलक झपकते ही ढह जाएगी। तक जो है यहाँ पर की अगर बात करते हैं, इस बिल्डिंग से लगभग 8 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और कई लोग अभी तक जख्मी हैं, जो कि लोक बंधु हॉस्पिटल में जो है उपचार चल रहा है। ऐसे में जिस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी है और इस मलबे को लेकर के बचाव कार्य जो है वो जारी है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है बचाव कार्य जो है वो किया जा रहा है। गाड़ी भी मलबे के नीचे दबी हुई है और गाड़ियों को भी निकाला जा रहा है, साथ ही साथ में जो और जो अंदर और भी सामग्री है या किसी और बाड़ी होने की संभावना है उसको लेकर के भी लगातार जो है वो ऑपरेशन जो है वो जारी है। यानी कहीं ना कहीं जो टीमें हैं वो लगातार अब मलबे को खंगालती हुई नजर आ रही हैं। इस मलबे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो केमिकल के रूप में काम होता था, जिससे कि सार्वजनिक मंचों पर कहा जा सकता है कि जो फैक्ट्री थी उस फैक्ट्री में जिस तरीके से काम हो रहा था उसको अब जो है हटाया जाएगा। ये जो बॉडी देख रहे हैं ये ट्रक की बॉडी है और इस ट्रक की बॉडी जो ट्रक जो है वो यहाँ पे पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था, दबा हुआ था और उसको भी बाहर लगभग निकाला जा रहा है और उसके जो मलबे हैं वो किनारे किए जा रहे हैं कि क्या कोई और होने की संभावना ना हो, उसको लेकर के अब जो है मलबे का कार्य भी लगभग जारी है। लगभग 20 घंटे से अधिक समय गुजर चुके हैं और इस 20 घंटे के समय में लगभग जो है मलबों का निकालने का काम हो रहा है। लगभग आधे से ज़्यादा काम जो है वो पूरा हो चुका है। उसके पीछे ठीक कैमरे में जो क्रेन दिख रही है जो लगातार जो काम करती हुई नज़र आ रही है, वो भी जो है किसी तरीके से जो है मलबे को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि हादसे के बाद जब संबंधित विभागों ने इमारत के बारे में दस्तावेज खंगाले तो पता चला कि सब कुछ नियम के मुताबिक किया गया था, पर आम जन में हादसे को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। सबसे ज्यादा आशंका निर्माण के वक्त घटिया सामग्री का इस्तेमाल किए जाने को लेकर जताई जा रही है। फिलहाल जाँच के बाद ही इमारत ढहने की वजह साफ हो सकेगी। लोगों की जो हालत गंभीर है हॉस्पिटल के अंदर उनको देखने के लिए डीएम लखनऊ जो है सूर्यपाल गंगवार यहां से रवाना हो चुके हैं और वो हॉस्पिटल में जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अभी जो मलबे हैं और मलबे से जो सामान है वो लगातार निकाला जा रहा है और ये इस तरह का प्रयास किया जा रहा है कि इस मलबे में
अभी और क्या कुछ लोग दबे हैं या 8 लोगों की जो मौत हुई है वही उतने हैं, वो उन्हीं को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो पूरी तरीके से अब जो है ये बिल्डिंग का जो मलबा है वो निकालने का प्रयास जो है वो लगातार जारी है जीसीबी के माध्यम से जो है लगातार क्रेन के माध्यम से कि और इस बिल्डिंग में क्या क्या सामग्री थी वो भी सब जो है निकालने का प्रयास किया जा रहा था। तो ऐसे में जिस तरीके से जो है बिल्डिंग को बिल्डिंग में जो कार्य हो रहा था उसके बाद भरवा के एकाएक बिल्डिंग जो गिरी है फिर उसके बाद से अब तक जो है 8 लोगों की मौत बताई जा रही है, बाकी बहुत से लोग घायल बताए जा रहे हैं, लगभग 20 से 25 लोग होने की संभावना जो है वो जताई जा रही थी। हादसे का सस्पेंस सवाल कई, बारिश के दौरान हादसे की वजह साफ नहीं। शहीद पथ किनारे स्थित थी 3 मंजिला इमारत, भरभरा कर गिरने के मामले की पड़ताल जारी। हादसे में एक कारोबारी समेत 8 लोगों की मौत, मलबे में दबने से तकरीबन 24 लोग घायल, अलग अलग अस्पतालों में भर्ती घायलों का हो रहा इलाज। अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं इसमें 28 लोग घायल प्राप्त हुए हैं जिनको कि इलाज के लिए यहाँ के अस्पताल में हम लोग भेज करके उनका इलाज प्रॉपर हो रहा है, तो उनकी सबकी स्थिति जो है वो भी ठीक है। 8 लोगों के दुखद समाचार मिला, 8 लोग जो है जो अभी वो इसमें मृतक हो चुके हैं उनके मृत्यु की बात आई है, जो इनका की डेड बॉडीज वगैरह के संदर्भ में उनके परिजनों वगैरह से संपर्क करके लीगल कार्रवाइयाँ जो है पूरी की जा रही हैं। और ये रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग जो है NDRF की SDRF की जो टेक्निकल टीम्स हैं उनके माध्यम से कर रहे हैं। कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस भी जो है पूर्ण रूप से अपने जितने भी इक्विपमेंट्स के साथ प्रशासन, नगर निगम, LDA सारे जो हमारे विभाग हैं उनके सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हम जल्दी जल्दी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करेंगे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि एक कंटेनर भी मलबे में दबा था। चालक का कहना था कि हादसे के वक्त कंटेनर से सामान उतारा जा रहा था। वहीं चर्चा ये भी थी कि कई चालक ने कंटेनर को तेजी से बैक किया जिससे वह पिलर से टकरा गया और इमारत गिर गई। हालांकि ये किसी के गले नहीं उतर रहा है। पहली बात, ड्राइवर इस बात से इनकार कर रहा है और दूसरी बात ये है कि इतनी बड़ी इमारत के एक पिलर से कंटेनर के टकराने से ऐसा हादसा नहीं हो सकता। वहीं कुछ घायलों का कहना था कि हादसा बारिश के दौरान हुआ, इमारत गिरने से पहले तेज आवाज आई थी। उनका कहना था कि शायद बिजली गिरी जिससे इमारत ढही। लोगों ने बताया कि इमारत के सामने हमेशा जल भराव रहता था, हादसे के दौरान भी बारिश हो रही थी, इमारत के सामने जल भराव था। इसको लेकर लोगों में आक्रोश भी रहा। स्पेशल डेस्क KNews India।